दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक आतंकवादी को पकड़ा है। ये पाकिस्तानी आतंकवादी है। इस वक्त हम दिल्ली के रमेश पार्क इलाके में मौजूद है। दरअसल ये गली नंबर 10 है, यहीं पर एक घर है जहां से इस आतंकवादी को पकड़ा गया है। सेल का कहना है कि इसके पास से AK-47 राइफल्स, इसके अलावा गोला बारूद इसके पास से बरामद हुआ है और ये कालिंदीगुंज इलाके से बरामद हुआ है। ये यहाँ पर रह रहा था और अली नाम का एक और इसने फर्जी आई कार्ड बना रखा था जिस पर नाम अली लिखा हुआ था, वो तुर्कमान गेट का एड्रेस था, वो भी पुलिस को पता चला है। जांच की जा रही है, सेल के अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद हैं और जांच कर रहे हैं। इसी गली में ये बताते हैं घर है जहां पर अभी भी रेड चल रही है स्पेशल सेल के अधिकारियों की, जहां पर ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। दरअसल सूचना मिली थी कि पाकिस्तानी आतंकवादी जिसका नाम अशरफ है वो यहां पर छिपा हुआ है और उसका जो प्लान है वो यही था, जो सेल के अधिकारी को कहना था कि दिल्ली को दहलाने की साजिश थी त्योहारों से पहले, और इसी सेंस में इन्वेस्टिगेशन पुलिस की चल रही थी तो उसको गिरफ्तार किया। उसके पास से तमाम जो विस्फोटक सामग्री मिली है, जांच की जा रही है। अब सवाल यही उठता है कि क्या वाकई ये जेन्युइन आतंकवादी है या फिर इसके पीछे कुछ और वजह है, ये जांच के बाद ही साफ पाएगी। लेकिन अभी तो सेल के अगर दावे की बात करें तो उन्होंने तो यही दावा किया है कि इस आतंकवादी को उन्होंने पकड़ा है जो पाकिस्तानी है, जो जिसके पास से आर्म्स और एम्यूनेशंस मिले हैं, जिसके पास से AK-47 राइफल्स मिले हैं, हैंड ग्रेनेड्स मिले हैं, और उसी सेंस में कार्रवाई अब सेल की आगे बढ़ रही है। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारी भी संभव है, लेकिन ठीक त्योहारों से पहले इस तरह की गिरफ्तारी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। और क्या वाकई जो ये गिरफ्तारी हुई है इसके पीछे क्या जिस तरह से केस नज़र आ रहा है वैसा ही है या कुछ और साजिश है, ये जाँच के बाद ही साफ हो पाएगा।